हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं पल्लवी जोशी नमस्कार करती हूँ। तो मैं उठ चुकी हूँ, जैसे अब सुबह सोच रही हूँ कि अब नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। सोच रही हूँ आज के ब्लॉग में मैं आपको क्यों ना अपना पूरे दिन का रूटीन बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ। किट से सामान आ चुका है मेरा, चलो देखते हैं क्या है इसमें। मस्क मेलन, आलू, खीरा, तो ये सब मैंने अभी ब्लिंकिट से मंगाया है। मैं पहले सैलेड काट लेती हूँ, अपना गाजर और ये क्या नाम है, खीरा मैंने धो लिया है। तो पहले सैलेड काट लेती हूँ, फिर एग्स बनाऊंगी। सैलेड कट चुका है, ये बीट रूट को मैंने कद्दूकस कर दिया और सैलेड मेरा कट चुका है। ये बीट रूट को मैंने दही में मिला दिया है, ये मेरा बीट रूट रायता बन गया है दोस्तों। तो मशरूम कट गए हैं मेरे मशरूम, और मैंने अपना पैन चढ़ा दिया है। एग्स की बारी है दोस्तों, एग्स फिटो 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 फिटो। मशरूम पक रहे हैं गाइस, मैंने इसको घी में बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा घी है तो मैं अब घी ही यूज करूँगी। और मेरा मशरूम एग बन गया है, ये देखिए। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है तैयार, माय जूस। भाई एग्स और मशरूम का जो ऑमलेट है ना, मेरा इतना फेवरेट है कि मतलब मैं क्या बोलूँ। सफाई कर लेती हूँ अपने टेबल की, यहाँ पे बैठ के ही मैंने खाना खाया था यार, और ये तो बहुत अच्छी बात है खाने के बाद जहाँ पे आप खाना खाओ उसको साफ करके ही उठो। तो और थोड़ा सा सोने के बाद मुझे फिर से भूख लग चुकी है, मैं अपने लिए बनाऊँगी पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच। ब्रेड निकाल चुकी हूँ मैं, माय फिटनेस का पीनट बटर यूज़ करती हूँ मैं, ये पीनट बटर। माय सैंडविच, फिर से सो गई थी मैं खा के, मेरा आज जिम जाने का बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं हो रहा है। तो सोच रही हूँ अब ये मेरे स्नैक टाइम हो गया है तो मैं मस्त मेलन खा रही हूँ। मस्त मस्क मेलन कितना सुंदर, बहुत मीठा, बहुत हाइड्रेशन है इसमें। मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैं तैयार होके जा रही हूँ साहिल से मिलने। साहिल और आमिर वो हैं दोनों जिन्होंने मेरे, ये दोनों मेरे डिज़ाइनर हैं जिन्होंने मेरे शादी के और मेरे और बहन के शादी के आउटफिट डिज़ाइन किया था। आपने बेन के पहले के ब्लॉग्स में और मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा इनको। तो मैं आज साहिल से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही है उन लोगों की। दोस्तों मैं चल चुकी हूँ साहिल के स्टोर, और जहाँ से मैंने सारा अपना ब्राइडल बनाया था वहीं पर, तो आपको साहिल से मिला पहुँच रहे हैं हम शाहपुर चाट। मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, थैंक यू। हाँ मेरा मिंट ब्लश, वाओ। हेलो हेलो हेलो
मुझे, मैं वही लड़की हूँ। इजू, इजू, आपने पहचाना मुझे? किसने? तो साहिल, अब शादी के बाद कैसा लग रहा है, मेरी शादी करवाने के बाद? ये तुम बताओगी कि तुम्हें शादी के बाद क्या कैसा लग रहा है, क्या नया है तुम्हारी लाइफ? तो मेरी शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर आना मिस करती हूँ ऐसे, क्योंकि मैं बहुत आदित थी यहाँ। बट अब तो आई थिंक दोबारा शुरू हो जाना चाहिए, दोबारा द ओल्ड रिचुअल्स, हमें बैठ के थोड़ी बातें बातें, ये देखो हमारी बातें करते करते चाय आ चुकी है, हमें अभी चाय पियेंगे। तो हम दोनों अभी चाय पियेंगे और शादी की और पहले की जो भी, अभी एक डेढ़ महीने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वो भी बातें करेंगे हम दोनों, गॉसिप करनी है, बिचिंग करनी है और अच्छी सी बातें भी करनी है। बट हाँ, हमारी बातें होनी पाएगी ना शादी के बाद कुछ है, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते वो भी इनकी स्टोरीज डाल रहे हैं और लोग कमेंट्स करें कि हमें भी रोना आ गया और हमें इतना ब्यूटीफुल मैजिकल मोमेंट था। और एक्चुअली वहाँ शादी पे उस हम सभी रो रहे थे, और अगर आप देखो तो इनके रील्स पे मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो स्माइल हो गई गाइस, तो कुछ तो मैजिक था इन लोगों में, इस कपल में कुछ तो मैजिक, मैजिक आप लोगों में था। आई थिंक लोगों की ब्लेसिंग है, आई थिंक काफ़ी सारे लोग जुड़ गए थे वर्चुअली भी, और वहाँ पे तो ब्लेसिंग्स लेते थे, लेकिन वर्चुअली भी काफ़ी सारे लोग जुड़ गए थे तुम्हारी शादी से, तो हर कोई ये बोलता कि इट वाज द मैजिकल मोमेंट और हमारी शादी वैसे होनी चाहिए, तो हर कोई, अब तुमने बेंच मार्क सबके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दी है। बस यार सुन रहा हूँ, सीधी शादी से शादी थी। हाँ बस सीधी शादी शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग पहाड़ों के बीच में पत्थर पे खड़े होकर तुमने एक्सचेंज की माला, बस सीधी शादी, मतलब कुछ नहीं था, बस सीधी सादी शादी थी। कुछ कहना चाहेंगे अपनी सीधी सादी? वो वापस घर पहुंच गई हूँ मैं, चलो अब मैं थोड़ा डिनर बना लेती हूँ अपने लिए और करते हैं डिनर की प्रिपरेशन। फ्रिज में चॉकलेट भी है, चॉकलेट खाऊंगी मैं थोड़ी सी, वेजिटेबल्स। सो पुलाव बनाने के लिए जो जो सामान लगता है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, मटर, टमाटर और गोभी और प्याज, तो इनको काटूंगी। सो गाइस, प्याज काट के मेरा ये हाल हो चुका है, प्याज सब कुछ कट चुका है, अब रखेंगे कुकर, तड़का लग रहा है। प्याज डाल दिया गाइस मैंने, और प्याज अभी भुन रही है, और दोस्तों टमाटर डाल दिए हैं मैंने, देखो कितना बढ़िया कलर आ रहा है। सब्जियां भी डाल दी है मैंने, गोभी, मटर, आलू, इनको थोड़ी देर पकने के लिए रखूंगी। चावल भी डाल दिए मैंने मेरी वेजिटेबल पुलाव में, इसको बंद कर देती हूँ और 3-4 सीटी के बाद ये पक जाएगा। तो दोस्तों मेरा डिनर लग चुका है, माय वेजिटेबल पुलाव, मेरा सैलेड एंड मेरा बीटरूट रायता। हाथ से खाना खाने का कुछ मजा ही अलग है वैसे। आज पूरा दिन मेरा खाना बनाने में, खाना खाने में सब भी निकल गया। ओके दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, तो आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो वो मुझे देते रहिए, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस पे इतना मुझे प्यार दे रहे हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।